हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हरियाणा रोडवेज में जो नोटिफिकेशन निकला है कंडक्टर और जो है ड्राइवर की भर्ती का, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है कंडक्टर भर्ती के लिए, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन निकला है हरियाणा रोडवेज में, इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर 2018 रहेगी। और ये जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में सभी भर्तियों की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है, गतिविधियां फास्ट कर दी हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तेज हो गई है। जैसा कि ग्रुप डी के एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं, सारे हरियाणा पुलिस के भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो ऐसे ही इनके उन्होंने हरियाणा रोडवेज में भी भर्तियां निकाली हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कंडक्टर भर्ती का बारे में। इसके जो नंबर ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड हैं जो है वो 905 कंडक्टर की भर्ती है ये। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए मैट्रिकुलेशन विद हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस जो चाहिए, शुड होल्ड कंडक्टर लाइसेंस, कि कैंडिडेट के पास कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। और मंथली जो उसकी इनकम रहेगी 19,900 रहेगी, ठीक है। और एज जो लिमिट है वो 21 साल से लेके 22 साल के बीच में रहेगी। उन्होंने यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ओनली एप्लीकेंट हैविंग 10 ईयर और अबव कंडक्टर लाइसेंस विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंडक्टर। द पीरियड ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट शैल बी कंसिडर्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनको पास 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का लाइसेंस, पुराना लाइसेंस है उनके पास, वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं और वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया है कि ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस है और जो एज लिमिट है, ये एलिजिबल होगी जो क्लोजिंग डेट है, जैसे 25 अक्टूबर को एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो होगी कंडक्टर भर्ती की बात। और दोस्तों, अब बात करते हैं हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस की। इसकी भी क्लोजिंग डेट जो है 25 अक्टूबर 2018 रहेगी, ठीक है। और इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 504 हैं। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए विद हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में। और उसके बाद जो क्या है, शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, कि मतलब उसे कि कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का विद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और मंथली इनकम रहेगी इसमें 25,500। एज लिमिट सेम है वही जो कंडक्टर के उसमें है, 21 साल और 42 साल मैक्सिमम है। और एज की जो गणना की जाएगी 25 अक्टूबर 2018 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो यहाँ पे भी उन्होंने नोट में यही लिखा हुआ है कि जो ओनली एप्लीकेंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑफ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर 10 ईयर और अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ HTV ड्राइवर, कि इसमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट ही अप्लाई करेगा जिससे के पास 10 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर पर्सन ने किसी कैंडिडेट ने आर्मी एयरफोर्स नेवी में किसी हैवी व्हीकल को चलाया है या उसका लाइसेंस उसके पास है तो उसको एक प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पोस्ट। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी क्वेरी है, आपको समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा। और अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स वेरी मच।